विभव है, विभव का मतलब जिस टाइप से अपने जो एक जो दो प्लेट ली थी कैथोड की और एक एनोड की, उनके साथ जो बैटरी जोड़ी थी, ठीक है, उसके आधार पे उसका जो विभव है, बैटरी कितने विभव की जोड़ते हैं उसके आधार पे उस प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज के बारे में अपने को क्या करनी है, बात करनी है, ठीक है। तो अगर अपने प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर एक प्लेट ली थी अपने माइनस की और एक प्लेट ली थी प्लस की, और मैंने इस पे जो प्रकाश डाला वो डेली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का, ठीक है, यानी म्यू है ग्रेटर देन म्यू नॉट, डेली आवृत्ति से क्या है ज्यादा। तो अगर डेली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का है तो इससे क्या निकलेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग में, तो अगर मैंने इसके साथ कोई बैटरी नहीं जोड़ी हुई है, कोई भी मैंने बैटरी इसके साथ नहीं जोड़ी, यानी ये प्लेट का माइनस की और ये प्लेट है प्लस की, तो जैसे जैसे मैं इस पे आवेश डालता जाऊँ, प्रकाश डालता जाऊँ, उससे इलेक्ट्रॉन विघटन कर देंगे। बात तो अपने उस टाइम बात की थी कि अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल दे जाएंगे तो ये जो माइनस का है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम, और धीरे धीरे खत्म होने के बाद ये क्या हो जाएगी प्लेट उदासीन, और उदासीन होने के बाद इस पे क्या आने लगेगा प्लस आवेश, जिसके कारण धीरे धीरे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हो जाएगा बंद। यानी अगर मैं इस कंडीशन के अंदर देखूं, इसमें स्टार्टिंग में माइनस है, उस टाइम मैंने इस पे प्रकाश डाला तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ तक गति करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो ये बोल सकते हैं भी एक आवेश गति कर रहा है, और अगर आवेश गति कर रहा है तो क्या उत्पन्न होगी उसके कारण धारा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर मैं इसके साथ कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी तो उस समय भी इसमें प्रकाश विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। इसलिए एक कंडीशन अपने ये जाननी है कि अगर मैंने इसके साथ कोई बैटरी नहीं जोड़ी, यानी विभव का मान कितना है मान लो जीरो, तो अगर जीरो विभव का मान जीरो है तो उस स्थिति में आई का मान जीरो नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विभव जो मैंने बैटरी का लगाया है वो मैंने जीरो, इसका मतलब मैंने इसके साथ कोई भी बैटरी नहीं जोड़ी, तो कोई भी बैटरी अगर नहीं जोड़ू तो उस पर पहले से क्या है माइनस, तो माइनस तो आएगा और उस माइनस के कारण इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे बाहर, यानी आवेश क्या करेगा गति, और अगर आवेश गति करेगा तो उसके कारण ये बोल सकते हैं कि ये जो है इसके कारण क्या उत्पन्न होगी प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। इसलिए अपने ये ध्यान रखना है कि अगर विभव के प्रभाव की अपने बात करें तो विभव के प्रभाव के अंदर जब स्टार्टिंग की कंडीशन है, यानी जब मैंने इसके साथ कोई भी बैटरी नहीं जोड़ रखी है, तो उस स्थिति के अंदर जो धारा है वह जीरो नहीं होगी, भले ही उस पे लगने वाला विभव का मान कितना है जीरो, ठीक है। अब अगर मैं ये देखूं भी मैंने विभव का मान धीरे धीरे क्या किया बढ़ा दिया, अगर मैंने विभव का मान बढ़ाया तो मैंने जैसे इसके साथ बैटरी जोड़ी, इसके साथ माइनस और इसके साथ है प्लस, ठीक है, मैंने जैसे इसके साथ माइनस वाली बैटरी जोड़ी और मैंने विभव के मान को लगातार क्या करता जा रहा हूँ बढ़ाता जा रहा हूँ, तो अगर विभव का मान बढ़ता जा रहा है इसका मतलब इस पे माइनस का मान बढ़ता जाएगा और इस पे किसका मान बढ़ता जाएगा प्लस का। तो अगर यहाँ पे मैंने विभव के मान को बढ़ाया तो ये इस पे है वो माइनस आवेश बढ़ता गया और इस पे कौन सा आवेश बढ़ता गया प्लस, तो ये जो माइनस आवेश बढ़ता गया तो इसका मतलब ये भी उसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और ज्यादा हो गई, यानी वो जो प्लेट है वो और अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है उत्सर्जित कर सकती है, और अगर ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई इसका मतलब धारा का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आगे बात करें तो मैंने जैसी बैटरी जोड़ी और बैटरी जोड़ने के बाद इसके विभव को लगातार क्या किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, तो विभव को बढ़ाने के कारण उसका जो प्रकाश जो आवेश है आवेश का मान भी क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा, और आवेश का मान बढ़ने के कारण इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी भी परमाणु के अंदर बात करूं तो कोई भी परमाणु एक लिमिट कंडीशन के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है उत्सर्जित कर सकता है, ठीक है। ज्यादा कंडीशन होती है बाह्यतम कोष वालों की, क्योंकि जैसे जैसे अपने परमाणु के अंदर वाले कोषों की ओर जाते जाएंगे तो उस स्थिति के अंदर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपने को ऊर्जा की क्या आवश्यकता होगी बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसलिए अपने जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो ज्यादा संभावना है बाह्यतम कोष की, न कि उसके आंतरिक कोष की, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु है उसके लिए बाह्यतम कोष में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या 15 20 कितने भी है 5 है 4 है, ठीक है। तो अगर उस परमाणु पे मैं कितनी ऊर्जा डाल रहा हूँ उस ऊर्जा के अनुसार ज्यादा संभावना है इनके निकलने की, ठीक है। अब अगर मुझे ये सारे के सारे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो मुझे नया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस परमाणु के आंतरिक कोष की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है, और आंतरिक कोष की ओर जाना पड़ेगा तो इसका मतलब अपने ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या होगी ज्यादा। इसलिए
अगर सामान्य ऊर्जा पे बात करूं तो सामान्य कंडीशंस के अंदर अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव करवाना है तो उस स्थिति के अंदर अगर मैं इस पे भले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई हो लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब वह अपने बाह्यतम कोश या फिर हो सकता है बाह्यतम से नीचे वाले कोश, ठीक है, एक दो कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे क्या कर दे, उत्सर्जित। लेकिन अगर उसने वो सारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दिए उसके बाद की अगर अपने आगे की बात करें तो उस स्थिति के अंदर और आगे जाएं तो और आगे जाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा नया इलेक्ट्रॉन वो उस परमाणु के आंतरिक कोश का होगा और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अपनी ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या होगी, ज्यादा हो, ठीक है। इसलिए अपने अगर बात करूं सामान्य कंडीशंस के अंदर तो पहले अगर मैंने कोई बैटरी नहीं जोड़ी तो उस समय धारा उत्पन्न हो रही थी, जैसे जैसे मैंने बैटरी का विभव बढ़ाया यानी इसमें माइनस बढ़ाया इसमें क्या बढ़ाया प्लस, तो वहां पर उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या बढ़ गई धारा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ भी मैं जो प्रकाश है वो लगातार डालता जा रहा हूँ तो एक स्थिति ऐसी भी प्राप्त होगी जब इस जो प्लेट है वो जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती थी उसने 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 उतने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित क्या कर दिए, कर चुके, ठीक है। तो इसका मतलब उससे अपने नए इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर जो धारा का मान है वो क्या हो जाता है, नियत, यानी सबसे अंतिम स्थिति, ठीक है। यानी लगातार मैं विभव को मैं उनको मैंने बढ़ाया लेकिन और ज्यादा विभव का मान बढ़ाने के बाद भी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जब जो परमाणु है या फिर जो प्लेट है वह अपने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर चुकी है, उससे ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकती, यानी उससे उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाती है, नियत, ठीक है। और अगर उनकी इलेक्ट्रॉन संख्या नियत हो जाती है तो उस स्थिति में प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, नियत। तो ये जो नियत धारा है इस धारा को बोला जाता है संतृप्त धारा, ठीक है। इस धारा को क्या बोलेंगे, संतृप्त धारा। तो अगर संतृप्त धारा की बात करें तो इसमें ये लिख सकते हैं वे प्रकाश विद्युत प्रभाव में जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाया जाता है तो विभव के मान के बढ़ने के साथ साथ उससे उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या होती है, बढ़ती रहती है। लेकिन एक विभव की स्थिति ऐसी प्राप्त हो जाती है जिसके बाद उस धात्विक सतह से नए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, यानी 10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे पहले तो अब भी कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 10, यानी उनकी संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, उनकी संख्या क्या हो जाती है, नियत हो जाती है। तो उस स्थिति के अंदर अपने ये चीज बोलते हैं भी उस स्थिति में जो धारा है वह कौन सी धारा कहलाती है, संतृप्त धारा। इसलिए अपने एक बात ये बोल सकते हैं विप्रकाश विद्युत प्रभाव में जो अधिकतम धारा है वो कौन सी धारा होती है, संतृप्त धारा, यानी उसके उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका मान संतृप्त धारा से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंदर अगर अपने और आगे बात करें तो मैं अगर विभव का जो बैटरी जोड़ रखी है मैंने विभव के लिए अगर उसके सिरों की मैं ध्रुवता बदल दूं, ठीक है, ध्रुवता बदलने का मतलब ये है कि जिस साइड माइनस जुड़ा हुआ था उस साइड मैंने बैटरी का जोड़ दिया प्लस और जिस साइड प्लस जुड़ा था उस साइड बैटरी का क्या जोड़ दिया माइनस, यानी मैंने क्या किया ये जो प्लेट है उसके सिरों पर जो मैंने विभवांतर लगा रखा था उसके लिए जो मैंने बैटरी जोड़ी उस बैटरी के सिरों की मैंने क्या बदल दी, ध्रुवता। ध्रुवता बदलने का मतलब ये है अब धारा की दिशा क्या होगी, विपरीत, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने जो विभव लगाया आरोपित किया उसको मैंने जो बैटरी है उसके सिरों की ध्रुवता मैंने क्या कर दिया है, बदल दी। तो अगर ध्रुवता बदलती है तो ये सिरा किसका है, प्लस का, और ये सिरा किसका, माइनस का। तो ये जो प्लस वाला सिरा है वो इसको किसका करने की कोशिश करेगा, प्लस, यानी ये जो अगर मैंने इसको प्लस से जोड़ दिया तो इस पे नए इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते क्योंकि धारा की दिशा जो है वो धारा की दिशा कुछ ऐसी है और हमेशा इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो धारा की दिशा बिल्कुल क्या होता है, विपरीत। तो अपने बैटरी इसलिए तो जोड़ी थी भी यहाँ से प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट तक आ जाए ताकि ये जो प्लेट है वो किसकी बनी रहे, माइनस की। लेकिन अगर मैंने बैटरी के सिरों की ध्रुवता बदल दी है तो उस स्थिति के अंदर धारा की दिशा ही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा उसके बिल्कुल क्या होगी, विपरीत। यानी अपने जिस काम के लिए बैटरी जोड़ी थी वो काम अब उल्टा होने लग गया तो उल्टा होने लग गया तो मतलब इसका माइनस धीरे धीरे क्या होगा, कम, ठीक है। और बाद में लास्ट में क्या होने लग गया, धीरे धीरे प्लस की बैटरी किसकी जोड़ रखी है, प्लस की। तो इस स्थिति में ये बोल सकता हूँ यदि मैंने बैटरी के सिरों की ध्रुवता को क्या कर दिया है, बदल दिया है तो बैटरी के सिरों की ध्रुवता बदलने के कारण जो कैथोड था, ठीक है, जो कैथोडिक प्लेट थी उससे उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी,
ठीक है, क्योंकि ये जो प्लस है उसको धीरे धीरे किसका घटता जाएगा, प्लस का, यानी उससे उत्सर्जित होने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और एक विभव ऐसा भी प्राप्त हो जाएगा जिसके ऊपर इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में धारा का मान कितना हो जाएगा, जीरो। यानी अगर मैंने बैटरी के सिरों की ध्रुवता बदल दी तो उस स्थिति के अंदर कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी संख्या लगातार क्या होती रहेगी, कम। और अगर उनकी संख्या कम हो गई तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं प्रकाश विद्युत धारा का मान भी धीरे धीरे क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और अगर ये मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो एक विभव ऐसा भी मिलेगा जिसके ऊपर इस प्लेट से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। और अगर उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हुआ तो उस स्थिति के अंदर कुल धारा का मान कितना हो गया, जीरो। तो वो विभव जिसके ऊपर धारा का मान कितना हो जाए, जीरो हो जाए, वो होता है निरोधी विभव। कौन सा विभव बोलेंगे इसको, निरोधी विभव, ठीक है। इसलिए निरोधी विभव की परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, निरोधी विभव की परिभाषा ये लिखते हैं कि कैथोड के पास तो प्लस था और एनोड के पास क्या जोड़ा है अपने, माइनस। इसलिए लिखते हैं एनोड को कैथोड के सापेक्ष दिया गया ऐसा ऋणात्मक विभव, ठीक है, जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। जिसके ऊपर ऐसा विभव जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, वह विभव कैसा विभव कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है, ठीक है। यानी निरोधी विभव का सीधा सा मतलब है भी अपने को एक ऐसा विभव मिलेगा जिसके ऊपर जो प्रकाश विद्युत धारा है उसका मान कितना प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं निरोधी विभव की बात करूं तो निरोधी विभव के अंदर धारा का मान अगर जीरो कर रहे हैं तो उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर बाहर नहीं पहुंच रहा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लेट थी उससे अलग अलग प्रकार अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं और मुझे मैंने जो विभव लगाया वो कैसा विभव है, निरोधी विभव है, तो उस स्थिति के अंदर अगर प्लेट से 10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए भले ही उनकी ऊर्जा कितनी भी हो तो उनमें से कोई सा भी इलेक्ट्रॉन आगे वाली प्लेट तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। चाहे उनकी किसी की भी ऊर्जा कितनी भी हो उससे अपने को कोई मतलब है नहीं है। अब अगर अपने बात करें आगे की, ठीक है, तो अब अगर इसके ग्राफ की अपने बात करें भी विभव के अंदर ग्राफ का ग्राफ के आधार पर इसका प्रभाव क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इस पे तो दिखा रहा हूं विभव और इस पे दिखा रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा। अब अपने बात की थी भी अगर विभव का मान जीरो है तो विभव का मान जीरो होने का मतलब ये है भी धारा का मान शून्य होना जरूरी नहीं है। तो इस लाइन पे अगर देखूं तो इस लाइन पे विभव का मान कितना होगा, जीरो। तो ये ग्राफ मान लिया मैंने यहाँ कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति है जिसपे विभव जीरो है लेकिन धारा का मान जीरो नहीं, ठीक है। अब अगर मैंने विभव के मान को बढ़ाया तो धारा का मान भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जिसके कारण अपने को ग्राफ मिलता है कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि एक विभव अपने को ऐसा भी प्राप्त होता है जब धारा का मान क्या हो जाता है, नियत, यानी उसके बाद कितना भी विभव बढ़ाते जाओ धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लास्ट में जाती जाती जो धारा है वो क्या हो जाती है, नियत। और ये जो धारा है कौन सी धारा कहलाती है, संतृप्त धारा, ठीक है। अब अगर मैंने ये कहा भी मैंने बैटरी के सिरों की क्या बदल दी, ध्रुवता बदल दी, तो इसके आधार पर प्लस था तो इसके आधार पर क्या आना चाहिए, माइनस। यानी अब ध्रुवता बदलने के बाद जो ग्राफ आएगा वो इस साइड। तो अब अपने बात की थी भी अगर मैं बैटरी के सिरों की ध्रुवता बदल देता हूँ तो उस स्थिति के अंदर धारा का मान लगातार क्या होता रहता है, कम। और एक ऐसा विभव प्राप्त होता है जिसपे धारा का मान कितना प्राप्त होता है, शून्य। यानी इस स्थिति के अंदर अगर मैं पीछे की साइड जाता जाऊं तो धीरे धीरे धारा का मान क्या होता रहेगा, कम। और एक ऐसा विभव प्राप्त हो जाएगा जिसपे धारा का मान कितना प्राप्त होगा, जीरो, जिसे लिखते हैं किससे, वी नॉट से। और वी नॉट को कौन सा विभव बोलते हैं, निरोधी विभव। इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है, ठीक है। यानी पहले तो अगर धारा का विभव का मान शून्य है तो उस स्थिति के अंदर धारा का मान शून्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं विभव के मान को बढ़ाता जा रहा हूं तो धारा का मान भी धीरे धीरे क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी जब धारा का मान क्या हो जाएगा, नियत। और धारा का मान जैसे ही नियत हो गया वो धारा कौन सी धारा कहलाएगी, संतृप्त धारा, ठीक है। और अगर मैंने बैटरी के सिरों की ध्रुवता को क्या कर दिया है, बदल दिया है, तो बैटरी के सिरों की ध्रुवता बदलते ही ठीक है धारा का मान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और एक ऐसा विभव प्राप्त होगा जिसपे धारा का मान कितना प्राप्त होगा, शून्य। और उस विभव को क्या बोलते हैं, निरोधी विभव।
अब अगर अपने निरोधी विभव के अनुसार बात करें, ठीक है, तो जैसे मैंने ये धातु प्लेट थी उस पर मैंने प्रकाश डाला और इसने चार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए। अगर इसने चार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए, इसकी ऊर्जा तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, इसकी ऊर्जा थी मान लो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी थी कितनी 40 और इसकी ऊर्जा कितनी थी 20, ठीक। अब अगर मैं विभव की बात करूं तो अपने थर्ड चैप्टर के अंदर बात की थी V बराबर होता है W बटे क्यू नॉट, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, तो जो W है उसको लिख सकता हूं क्यू नॉट गुना V, यानी आवेश को अगर विभव से गुना करूं तो उसके अनुसार क्या आना चाहिए कार्य। तो अगर अपने कहीं पे भी विभव की बात करें तो विभव का मतलब वहां पे कार्य से, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जैसे निरोधी विभव लगाया तो निरोधी विभव पे इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी उत्सर्जित नहीं हो रहा, यानी उससे अगर निकल भी गया तो आगे नहीं पहुंच रहा, प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना करना है जीरो। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे प्रकाश विद्युत धारा का मान जीरो करना है तो मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे नहीं जाना चाहिए, वो इस प्लेट के पास में रहना चाहिए या फिर प्लेट के अंदर ही रहे। तो मतलब यह है कि जो विभव लगाया वो एक प्रकार से ऐसा कार्य कर रहा है जिसके द्वारा इस प्लेट से निकले हुए इलेक्ट्रॉन को है आगे जाने नहीं दे रहा, यानी वो इलेक्ट्रॉन की जो गति है उसका क्या कर रहा है विरोध, यानी यहाँ पे जो विभव है वो कार्य हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की गति के विरुद्ध। और अगर मुझे प्रकाश विद्युत प्रभाव में धारा का मान ही जीरो करना है तो मतलब ये है कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंचना चाहिए, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रुकने चाहिए, तब जाके धारा का मान कितना होगा जीरो। तो अगर मैं इस कंडीशन की अगर बात करूं भी मैंने जो विभव लगाया उसके अनुसार जो कार्य होना है, ठीक है, वो मैंने मान लिया भी 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो, ठीक है, विभव के अनुसार जो कार्य होना है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि ये जो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो निरोधी विभव है तो निरोधी विभव का मतलब कोई सा भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं, मैंने जैसे चार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाए 10 का 50 का 40 का और 20 का, मैंने कह दिया कि मुझे निरोधी विभव लगाना है जिसके ऊपर धारा का मान कितना हो जाए शून्य हो जाए। तो अगर मुझे निरोधी विभव आरोपित करना है तो निरोधी विभव के अंदर धारा का मान हो जाना चाहिए जीरो। धारा का मान जीरो होने के लिए कोई सा भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ऊर्जा लगाऊं 40 के अनुसार, तो 40 के अनुसार अगर ऊर्जा लगाऊं तो 40 वाला तो रुक जाएगा, इससे कम ऊर्जा वाला भी रुक जाएगा, लेकिन 50 वाला नहीं रुकेगा। तो स्थिति के अंदर धारा का मान जीरो नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऊर्जा इतनी लगाई जिससे मैं 40 वाले को रोक सकूं। तो अगर 40 वाले को रोक सकूं तो उससे कम ऊर्जा वाले तो रुक ही जाएंगे, ठीक है। तो ज्यादा ऊर्जा वाला किधर जाएगा आगे, यानी अगर मेरे को प्रकाश विद्युत धारा का मान जीरो करना है तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा जिसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 50 के अनुसार ऊर्जा लगाई तो अगर 50 वाला रुक गया तो 40 वाला रुक जाएगा, क्योंकि 40 वाले की ऊर्जा क्या चाहिए कम, और अपने ऊर्जा लगा कितने के अनुसार है 50 के अनुसार, ठीक है। तो इसलिए अगर प्रकाश विद्युत प्रभाव जीरो करना है तो विभव के लिए जो बल लगेगा या जो कार्य होगा वह कार्य होना चाहिए अधिकतम गति ऊर्जा वाले के विरुद्ध, ठीक है। इसलिए यहाँ से अगर मैं एक कंडीशन बनाऊं भी जो कार्य है, अगर अपने बात करें जो किया गया कार्य है तो कार्य ऊर्जा पर मैं अपने को ये बात कहती है कि जो किया गया कार्य है वो उसकी गति ऊर्जा में प्रेरण के बराबर होता है। तो यानी यहाँ पे ये लिख सकता हूँ डेल्टा के इक्वल टू होना चाहिए डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर डेल्टा के की बात करूँ तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे बात करनी है निरोधी विभव की तो डब्ल्यू बराबर लिख सकता हूँ क्यू नॉट वी, क्यू नॉट का मतलब आवेश था, यहाँ पे कौन गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और आगे विभव क्या लिखा वी नॉट। तो अगर मैंने V नॉट लिखा तो V नॉट का मतलब यह मैंने लगा दिया निरोधी विभव, और निरोधी विभव लगाने का मतलब है जो ऊर्जा है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना वो आगे नहीं पहुंचना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाना चाहिए स्थिर हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन स्थिर होने का मतलब उनकी गति ऊर्जा कितनी हो जाए जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं इसकी तो डेल्टा के बराबर डब्ल्यू है, तो मैंने अगर डब्ल्यू को लिखूं तो ई भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये कार्य कैसी राशि है अधिश, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो किसका आएगा माइनस का, मुझे गति ऊर्जा में निकालना है परिवर्तन, तो गति ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकाल सकते हैं अंतिम माइनस से प्रारंभिक। तो अगर मैंने निरोधी विभव लगाया तो सबसे लास्ट में जाके इलेक्ट्रॉन रुक जाना चाहिए तो जीरो, और
प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मैंने जो निरोधी विभव लगाया वो किसके अनुसार रखना चाहिए, सबसे अधिकतम ऊर्जा वाले के अनुसार, यानी यहाँ पे रखना चाहिए के ई मैक्स। तो ये अपनी समीकरण बन गई के ई मैक्स इक्वल टू माइनस का ई वी नॉट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसलिए लिख सकते हैं ई वी नॉट अब किसके इक्वल होता है के ई मैक्स के। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि जो निरोधी विभव के अनुसार जो किया गया कार्य है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए वह उसके इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है।